सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस अभी फिर से जो है मैं हमारे खेत में जा रहा हूँ धान काटने के लिए। तो वो भैया का साइकिल लेके जा रहा हूँ, भैया जो है वो हमसे आगे निकल चुके हैं फिर से। आज पैदल पैदल गया एक्चुअली, तो मैं जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था तो भैया मेरे लिए साइकिल से गया, ब्रेकफास्ट नहीं किया भैया जो। तो गाइस धान काटते काटते देखिए मेरा चूल भी जो है कैसे हो गया और ये देखिए मैं जो धान काटता था सामने जो है सब्जियाँ मिल रहे हैं मुझे, ये बनाना फ्लावर। तो आई थिंक आप पसंद करते होंगे बिल्कुल मेरी तरह, तो मैं तो बहुत पसंद करती हूँ इस चीज़ को। गाइस बहुत ही गर्म है पर ऊपर में बहुत बादल है, सुबह को थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश दिए थे, फिर भी जो है ये गर्म हटता नहीं है, इतना ज़्यादा गर्म है तो काम करना पड़ता है ना, इसलिए जो है मेरा ब्लॉग जो है कुछ दिन एब्सेंट होते रहते हैं, तो लगातार ब्लॉग नहीं डाल पाता है। तो हम लोग का ज़िंदगी ऐसी है और मैं जो है एक चीज़ को बार बार दिखाना नहीं चाहता, इसलिए जो है मैं कुछ दिन तक जो है वीडियो डालता नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं काम नहीं करता हूँ, इसलिए जो है एक चीज़ को मैं दिखाने मन नहीं होता है और आप लोग जो है बोरिंग फील होते हैं। तो वही बात है दोस्तों, तो आज जो है मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ। तो एक चीज़ को जो है मुझे मतलब कि दोबारा दिखाना मन नहीं होता है, क्योंकि आज जो है बोलने का मन कैसे। गाइस मैं जो ये ब्लॉग जो बना रहा हूँ, शायद ये ब्लॉग आने में एक हफ्ता 10 दिन लग सकता है, क्योंकि लगभग काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं जा पाऊँगा, भैया अकेले पड़ जाएंगे काम, क्योंकि ये सबको काटने से भैया को जो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए जो है हमको भी आपको मदद करके रहना जब तक ख़त्म ना हो जाए। और बता दूँ गाइस टावर का नेटवर्क का यहाँ पर पूरा नामो निशान बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर एकदम जीरो है नेटवर्क। फोन में चार्ज के लिए जो है आसपास में जो ट्रैक्टर वाले हैं ना, वो खेत करने वाले वो ट्रैक्टर वो चलाता है ट्रैक्टर पे, तो उसके पास जाके जो है फोन में चार्ज करना पड़ता है। और भैया का तो छोटा सा सोलर है, सोलर बैटरी है, उससे जो है वो फोन चार्ज नहीं हो पाता है, कमज़ोर पड़ जाता है बैटरी, तो चार्ज के लिए भी सही होता है लाइट, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसे जैसे मैं जो है यहाँ पर रह रहा हूँ, लाइट ब्लॉग बना रहा हूँ, जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ, बट ये जो ब्लॉग आएंगे दोस्तों काफ़ी देर में आ जाएंगे, एंड फिर भी मैं जो है ब्लॉग को नहीं सरने वाला, कंटिन्यू जारी रखूँगा। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहना मुझे, और इस बार जो है काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं भी गाइस, तो कुछ बातें जो है दोस्तों में शेयर करना नहीं चाहता, इसलिए जो है ब्लॉग में नहीं दिखाता मैं। तो आप लोग भी जो है बहुत ही सैड फील करेंगे, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग सैड फील करो, बस हंसते मुस्कराते रहिए बिल्कुल मेरी तरह, जितना दुख हो दुख को परेशानी तो आते जाते रहता है, इसलिए जो है गाँव को जो है थोड़ा भी बांटना है और ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, काफ़ी देर तक मैंने जो है काम कर लिया।
क्या तो वैसे ही जाएंगे। ये देखिए गाइस, मैंने जो है साइकिल को यहाँ पर रखा था। साइकिल भी देखिए, पैदल भी जो है ये एक निकल गया। तो जैसे तैसे काम चला रहा है, कैसे कैसे रास्ता है, रास्ता तो है नहीं बिल्कुल, फिर भी हम लोग जो है यहाँ से आना जाना करते हैं। स्केट के लिए जो है आना पड़ता है गाइस, और वहाँ पे थोड़ा अच्छा रास्ता है तो वहाँ से साइकिल से जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे मैं पैदल जा रहा हूँ। ये गर्मी की वजह से जो है ज़्यादा काम कर नहीं पाता है। आजकल इतना टेम्परेचर बढ़ गया गाइस, अभी जो है 10:30 बजा है, 10:45 हो चुका है तो मैं घर जा रहा हूँ। और सुबह को वहाँ से आया था मैं, 5 बजे को आया था। अभी चला चला के जा सकता है। ये देखिए यहाँ से गाड़ी भी आ सकता है। तो गाइस मैं जो है काम करके आने के बाद नहा धो के अभी लंच कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये कासावा प्लांट का ये लिप्स, और ये रहा बनाना ट्री गाइस, जो कि आप लोग देखा है, जो मैं खा रहा था वही। और इसमें जो है थोड़ी सी मिर्च का चटनी, ये रहा कासावा लिप्स। तो गाइस लंच करने के बाद अभी फिर से जो है हम खेत में जाने के लिए, अभी यहाँ से कुएं में जहाँ से पानी पीते हैं ना, पानी पिया करते हैं, वहाँ से जो है हम ये ठंडा पानी लेने आ गया कुएं से। और ये देखिए इतना बड़ा कुआं है यहाँ पे, ये देखिए गाइस। बिल्कुल ठंडा है पानी। वाह, ये देखिए। तो रास्ता भी देखिए गाइस बिल्कुल क्लियर है, और साइकिल मैंने जो यहाँ पे रखा है। तो गाइस अभी जो है बिल्कुल शाम हो चुके हैं, और हम लोग जो है काम करके अभी घर लौटने वाला हो गया, यानी जा रहे घर। तो घर डायरेक्ट हम लोग नहीं जाएंगे, एक्चुअली यहाँ पे जो एक छोटा सा झील है तो उसमें जो है हुक से फिशिंग करेंगे। तो भाई जो है वो साथ में हुक लाए थे, और वो हुक लेके आगे आगे चल दिए है। और यहाँ पे जो है बैग में पानी बोतल लाए थे हम लोग, काम करते समय तो प्यास लगता है ना उसके लिए। और अभी डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे फिशिंग करेंगे, उसके बाद जो है थोड़ी देर ही फिशिंग करेंगे गाइस, उसके बाद जो है शाम होने तक घर जाएंगे, फिर नहाना है। तो भाई जो है वहाँ पर फिशिंग कर रहा है हुक से, और यहाँ पे अंकल भी जो है कुछ जंगली सब्जियाँ ढूंढ रही है। मैं तो जो है ये बैग को कैरी करके बेच रहा हूँ, और इन लोगों को देख रहा हूँ कोई मछलियाँ पकड़ रहे हैं और कोई जो यहाँ पे सब्जी ढूंढ रही है। मिला है क्या उसको? नहीं मिला। तो गाइस आप लोग इसको जानते हैं, हम लोग इसको कहते हैं हथकुंडी। तो आप लोग इसको क्या कहते हैं? ये हम लोग जो है सब्जियां खाती हैं। इसमें देखिए ना छोटे छोटे कांटे भी है इसमें। ये देखो, शायद आप लोग जानते भी होंगे इसको।